हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। और जय माता दी सभी के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जा रहे हैं वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए। और हम आपको बता दें, ये हमारा पहला ट्रिप है जिसमें हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। और इसमें हम आपको सभी लोगों से मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले पर्सन से हम आपको मिलाते हैं। और ये हमारी जो पीछे आ रही हैं, ये हमारी भाभी सी आ रही हैं, छोटी भाभी। ये हमारी कोमल है, मौसी की लड़की। और ये बगल में हमारी ज्योति हैं, मामा जी की लड़की हैं ये। और इसके बाद हम आपको मिलाते हैं, हमारे भैया हैं आकाश भैया, मामा जी के लड़के हैं ये। और अभी हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन पे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। पहला ट्रिप है, हम सभी लोग कभी ऐसे साथ में कहीं घूमने के लिए नहीं गए। पहला ट्रिप है, सभी लोग साथ में जा रहे हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और ये हमारा गुच्चू है, रो रहा है, तबीयत थोड़ी सी खराब है इसकी। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। सच ही कहा है किसी ने, मंजिल में पहुंचने से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है। तो हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया रास्ते में, पूरी ट्रेन में मस्ती करते हुए। और ये हमारी फ्रेंड है मिस मेघा दुबे, और इनका आने का कंफर्म नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम तक इन्होंने सोचा चलो हम भी चलते हैं सभी लोगों के साथ में। तो हम लोग पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे। सचमुच यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो सुना था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और वैसे भी भगवान वाली जगह तो सच में बहुत खूबसूरत होती ही है, लेकिन जितना सुना था देखा था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हमने बहुत सारे ट्रिप किए हुए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है कि पहली बार ही मैं किसी तीर्थ स्थान पर आई हुई हूँ। देखिए, हम सभी लोग आ गए हैं कटरा जंक्शन पे, और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने माता जी के पास, वैष्णो देवी माता के पास। और हम आपको बता दें, हम यहाँ पहली बार आए हैं। जब फर्स्ट टाइम आए थे तब बहुत छोटे थे, मतलब एक साल के। और अभी हम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में 24 साल के। वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है। यहाँ पे हम आपको बता दें, सिर्फ हेलीकॉप्टर से सवारी कर सकते हैं और पालकी सवारी ले सकते हैं, एंड घोड़े से भी हम ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप के कोई भी वाहन ऊपर जाने के लिए नहीं मिलेंगे। हम इन्हीं चीज़ों से यात्रा पूरी कर सकते हैं, या फिर हम पैदल जा सकते हैं। तो हम सभी लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जाएंगे तो मज़े भी करेंगे। और अधिकतर लोग बाग ऐसे लोग ही घोड़े पे या इन चीज़ों पे जाते हैं, जो लोग काफ़ी अमीर होते हैं यानी कि पैसे वाले होते हैं तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। बाकी लोग जो ऊपर चढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, वो लोग घोड़े से या फिर पालकी से सवारी ले सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और सचमुच यहाँ से देखने के बाद तो आँखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा है। और आप जो ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड, तो इन्हीं के ही पीछे माता रानी का मंदिर है जहाँ हम सभी लोग जाएंगे। और यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी कि आईडी कार्ड लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा उन्हें वापसी भेज दिया जाता है आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो जो भी यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, भक्तगण आते हैं, वो अपना यहाँ आईडी कार्ड बनवाएं, ठीक है, ताकि उन्हें यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से वो यात्रा कर सकें। यहाँ पे इस टाइप का आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये पास बनवाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही हम यहाँ से सिम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बाहर की सिम होती हैं वो यहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे अगर हमें नेट का यूज़ करना है या कॉल वगैरह करनी है, तो हम यहाँ बाहर से ही, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सिम बेच रहे होते हैं, तो हम इनसे ख़रीद सकते हैं। बहुत कम रेट पे भी हमें यहाँ सिम मिल जाती। और साथ साथ अगर जैसे कोई यहाँ पे रुकना चाहता है रेलवे स्टेशन के आसपास, जिनको नहाना धोना, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि हम लोगों को भी 24 घंटे हो चुके हैं यहाँ पहुँचने में। तो हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बाणगंगा में हम लोग नहाएंगे वहीं, लेकिन कई लोग होते हैं जो होटल्स में रुकना चाहते हैं, तो वहाँ पर रुक के नहा नहा के रेडी वेडी होकर अपना सामान
वहाँ पे भी रख के और ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग तो अपना बाणगंगा में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के बाहर से ही, क्योंकि बाणगंगा का रास्ता रेलवे स्टेशन से समथिंग 1.5-2 किलोमीटर का है, तो हम लोगों ने तो ऑटो ले ली है। तो यहाँ तक जहाँ तक ऑटो जा सकती है वहाँ तक हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को जहाँ से एंटर होना है वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा ही स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाणगंगा में नहाने के लिए। यहाँ पे नीचे यहाँ नहाना है हम लोगों को, फिर इसके बाद हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और बहुत ऊपर तक जाना है, वहाँ तक, उससे भी ऊपर वो आदिकुंवारी माता दिख रही हैं। फिर और आगे इधर यहाँ इस जगह पे यहाँ जाना है। तो यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। आगे की यात्रा के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट्स करके बताइए कि आप वैष्णो माता घूमने के लिए कब गए हुए थे।